नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ लामा। स्वागत है शेफ लामा चैनल पे। दोस्तों आज आपके लिए एक आलू का डिश लेके आया हूं दोस्तों, स्पेशल चिल्ली पटेटो। बड़ा ही फैंटेस्टिक रेसिपी है दोस्तों, ये देखने में भी सुंदर है, खाने में भी बड़ा टेस्टी है। दोस्तों आपके साथ में ये रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, बड़ा ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बनी रहना वीडियो में, 6 मिनट का वीडियो है, थोड़ा कम मात्रा में बनाया वीडियो का लेंथ, जल्दी से बना के आपको दिखाता हूँ इसका रेसिपी। तो बनी रहना वीडियो में। इसमें जो हमने जो ऐड किया है बेसिल और फ्रेश रेड चिल्ली गार्लिक ऐड किया, कैसे ऐड करता है, किस तरह से प्रोसेस करता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आलू, छोटा छोटा आलू जो होता है बेबी पोटेटो, इसको मैंने बॉईल किया, ठीक है, बॉइल्ड इन बॉईल किया है। तो बॉईल करने के बाद में इस तरह से क्रश कर देना आलू को, ठीक है, इस तरह से क्रश कर देना सारा आलू को, इस तरह से क्रश करना, थोड़ा ब्रोकन करना, इस तरह से प्रेस कर देना हाथ से। अगर हाथ से दर्द हो रहा है तो कुछ चापर वापर से या चाकू वाकू से कुछ भी चीज से प्रेस कर देना, ठीक है। सारा प्रेस करके इसमें हम मिला देंगे चिली फ्लेक्स, व्हाइट पेपर और नमक, ठीक है। इसे मैरिनेशन करेंगे अच्छी तरह से, इसमें अच्छी तरह से मैरिनेशन करेंगे दोस्तों। वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या क्या चीज़ हो रहा है, ठीक है। और इसमें हम अंडा ऐड करेंगे। अगर आप शाकाहारी है तो अंडा मत डालिएगा, अगर अंडा चल सकता है तो अंडा डाल के इस तरह से मिला दीजिएगा। अंडा डालने से स्वाद और भी बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों, ये रीज़न, अंडा डालने से टेस्ट और बढ़ जाता है। तो इसका ऊपर में मैं थोड़ा मैदा ऐड करूंगा, ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैदा ऐड करूंगा, कॉर्नफ्लोर नहीं, मैदा, ठीक है, थोड़ा सा मैदा ऐड करूंगा और इसको भी अच्छी तरह से मिला दूंगा, ठीक है दोस्तों, इस तरह से अच्छी तरह से मिला दूंगा। इसको हम तेल में फ्राई करेंगे और आगे मैं दिखाऊंगा आपको इसका सॉस किस तरह से बनाना है, ठीक है, क्या क्या ऐड करना है सॉस पे। थोड़ा ये मैं थाई फ्यूजन में बना रहा हूँ, इस पर सारा चीज़ मैं थाई का ऐड कर रहा हूँ, तो थाई फ्यूजन में बना रहा हूँ ये आलू की डिश, बड़ा ही टेस्टी है ये, ठीक है दोस्तों। चलिए फ्राई करते हैं, फटाफट से फ्राई करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी फ्राई करेंगे तो वीडियो भी जल्दी शॉर्ट हो जाएगा, तो आपको भी जल्दी अच्छा लगेगा, लंबा वीडियो में बोरिंग होता है। तो लास्ट टाइम मैंने एक चिल्ली पेस्ट, मैं चिल्ली पेस्ट का जो वीडियो डाला था, आप लोग ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मैंने वो क्या बोलते चिकन का रेसिपी भी डाला था, आपने देखा है कि नहीं देखा, मेरा प्रोफाइल में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से फ्राई करना दोस्तों। और आप कढ़ाई लीजिए, कढ़ाई में तेल डालिए थोड़ा, और मैंने पहले ही ओनियन गार्लिक चिल्ली रेडी किया है, ओनियन और गार्लिक को चॉप किया है और चिल्ली का स्लाइस किया है। इस तरह से कढ़ाई में डाल दीजिएगा, इसको अच्छी तरह से मिला दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से भून लीजिएगा। और इस पर हम सॉस ऐड करेंगे, क्या क्या आपको दिखाएंगे। कढ़ाई में अच्छी तरह से भून लीजिएगा, 60-80% भून लीजिएगा इसको। जब ये भून के रेडी हो जाएगा तो इस पर हम ऐड करेंगे आपका जो हमने घर पे बनाया था चिली पेस्ट, रेड चिली पेस्ट, हॉट चिली पेस्ट, वो ऐड करेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा चॉप टमाटो केचप, टमाटो केचप ऐड करेंगे। और ये जो है चीज़ थाई का जो चिली पेस्ट है, रोस्टेड चिली पेस्ट बोलता है, ये रेडीमेड आता है, ठीक है, ये भी थोड़ा इस पर ऐड कर देंगे। और जो ये ऑयस्टर सॉस है, ऑयस्टर सॉस भी थोड़ा ऐड कर देंगे। ऑयस्टर सॉस वेज भी आता है, नॉन वेज भी आता है, ठीक है दोस्तों, कोई भी यूज़ कर देना, थोड़ा नॉन वेज अच्छा होता है, वेज थोड़ा थोड़ा टेस्ट ब्लैंक रहता है। और इस तरह से इस पर थोड़ा हम नमक ऐड करेंगे, नमक और ये एमएस पाउडर है अजीनोमोटो, अगर आपको नहीं चाहिए तो इसको स्किप करके, आपके पास आलमंड पाउडर है तो वो ऐड कर सकता है। ये शुगर है, अच्छी तरह से मिला दीजिएगा इसको। बस सॉस रेडी हो गया, थोड़ा सा इसमें मैं पानी स्टॉक डाल देता हूँ, थोड़ा सा ये लगा सा रहना चाहिए, थोड़ा ड्राई रहेगा भी अच्छा नहीं रहता है। तो इस पर हम बेसिल ऐड करेंगे, ठीक है दोस्तों, जो बेसिल होता है बेसिल ऐड करेंगे, बेसिल का जो फ्लेवर आना है तो अच्छा रहता है। ये है बेसिल, बेसिल हम इसमें ऐड कर देंगे, बेसिल। मैंने टेस्ट किया दोस्तों, ये बहुत बड़ा टेस्टी है, आप भी टेस्ट कर सकते हैं, आपका रेस्टोरेंट होटल में आप शेफ है तो इसका मेनू डाल सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों, अगर रेस्टोरेंट में होटल में आप शेफ है तो इसका मेनू डाल सकते हैं। बहुत सारा दोस्त लोग ने खाली शेजवान चिली पोटेटो, क्रिस्पी पोटेटो, हनी चिली पोटेटो डाला है ना रेसिपी में, तो आप ये भी डाल सकते हैं, ठीक है, चिली बेसिल पोटेटो। तो इस तरह से मिला देना इसको, बड़ा टेस्टी रहता है, इस तरह से मिला देना। तो फाइनली मैं जो इसके लिए और भी फ्लेवर और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें मैं
वाइन मिला देता हूँ, ठीक है, जो चाइनीज शांगचिंग वाइन बोलते हैं, जो चाइनीज का है वो ऐड कर देता हूँ, अच्छा रहता है। तो ये वाइन थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, तो थोड़ा ये स्पाइसी को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, स्पाइसी को, सावर को कंट्रोल करता है और फ्लेवर भी अच्छा देता है। इस तरह से रेडी कर दिया मैंने अपना स्पेशल चिली पटेटो, ठीक है, बड़ा ही जबरदस्त है। आप जो शेफ है तो आप भी इसको मेनू बना सकते हैं, अगर आप घर में बनाना चाहते हो घर में भी बना सकते हैं, बड़ा टेस्टी है। ये थाई का जो वर्जन से मैं बनाया इसको, फ्यूजन, थाई फ्यूजन, ट्राई करना दोस्तों। दोस्तों ये रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को खोल के रखना दोस्तों। इस तरह का जो रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करते रहूँगा। ऊपर से आप दे देना इसमें फ्राई बेसिली का गार्निश, जो फ्राई बेसिल का गार्निश दे देना ऊपर से। और जो आपको इसी तरह का जो वीडियो और देखना है, आप मेरा चैनल नए हैं तो मेरा प्रोफाइल में जाके देखिए, बहुत सारा उसमें दो सौ से भी ज़्यादा रेसिपी है दोस्तों, बहुत सारा चीज़ें है उसमें, थाई चाइनीज जापानीज का जो कोरियन का डिश है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है बस, तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।